नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। मेरे पास एक इंक्वायरी आई है जो कि नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तरमुखी ऑफिस है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस ऑफिस के अंदर सेटअप किस प्रकार से होना चाहिए, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देना चाहूँगा। आप भी अपना कोई नया ऑफिस बनाने जा रहे हैं या आप अपने ऑफिस को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो आप वास्तुशास्त्र के अनुसार किन किन बातों का ध्यान रखें। एक ऑफिस को तैयार करने के लिए उसमें लाखों रुपए लग जाते हैं और हर आदमी यही उम्मीद करता है कि उसका काम बहुत बढ़िया चलेगा। कई बार ऐसे कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से वर्किंग अच्छी नहीं होती। आदमी मेहनत तो बहुत करता है, नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। ऐसा क्यों होता है? जब भी जिस भी साइट के अंदर वास्तु दोष बन जाता है वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। उस ऑफिस के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का दबाव ज़्यादा करने के लिए हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार ऑफिस का सेटअप करना चाहिए। आप अपने यहाँ पर हल्की सी सीटिंग भी चेंज करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं अपनी हर एक वीडियो में बहुत सारी खास बातें जरूर बताता हूँ और मेरी वीडियो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके काम ना आए। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। जिस ऑफिस के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तरमुखी ऑफिस है। इस ऑफिस के अंदर काफ़ी चीज़ें सही है लेकिन कुछ चीज़ें गलत भी है। अब उनको, क्योंकि ऑफिस है, ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर है, कॉम्प्लेक्स के अंदर तोड़फोड़ करना आसान नहीं होता। अपना पर्सनल ऑफिस होता है, अपनी पर्सनल बिल्डिंग होती है, तो आप उस बिल्डिंग के अंदर कुछ भी तोड़फोड़ करके सही कर सकते हैं। लेकिन मॉल के अंदर जो ऑफिस बना हुआ है उसके अंदर आपको तोड़फोड़ करने के लिए पहली बात तो परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन जो बड़ा मॉल होता है तो उसके अंदर परमिशन भी नहीं मिलती। जो सेटअप जिस तरीके से तैयार होता है, बहुमंजिले बिल्डिंग बनी हुई होती है, उसके अंदर जो सिस्टम नीचे से लेके ऊपर तक बना है वो सारा सेम होता है, उसके अंदर बदलाव नहीं होता। हाँ, अंदर के जो बीच के पार्टीशन है आप उनको अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पैंक्री बनी हुई है, जहाँ टॉयलेट बनी हुई है, उस एरिया से पूरी बिल्डिंग की पाइपलाइंस गई हुई है और उन पाइपलाइंस को बदलना आसान नहीं होता। तो ऐसे में आपको अपने यहाँ पर क्या क्या काम करने चाहिए? वास्तुशास्त्र और मेरे अनुभव के अनुसार छोटे से उपाय आप अपने यहाँ कर लेते हैं तो आपके ऑफिस के अंदर भी वर्किंग बढ़िया आ जाएगी। आपका ऑफिस नॉर्थ फेसिंग है, इसमें सबसे पहले जो एंट्रेंस करनी है वो नॉर्थ ईस्ट से, यहाँ से आपने अपनी एंट्रेंस करनी है। फ्रंट में आपका कंप्लीट फिक्स ग्लास है और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपकी एंट्रेंस है। ध्यान रखना है जो आपका अपना कॉरिडोर है इससे आपका ऑफिस हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर बिल्डिंग के अंदर ऑफिस बनाते हैं तो ऑफिस को हल्का सा नीचा रख लेते हैं, यानी बाहर के कॉरिडोर से हल्का सा नीचा रख देते हैं। तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऐसे ऑफिस के अंदर कभी भी वर्किंग अच्छी नहीं आती। आपको अपने ऑफिस के अंदर वर्किंग अच्छी लेकर आनी है और आप अपना नया ऑफिस बना रहे हैं या रेनोवेट करने जा रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पैसा इस पर ज़रूर खर्च करें। आप अपने ऑफिस का फर्श लेवल कॉरिडोर के फर्श लेवल से या सड़क के फर्श के लेवल से ऊँचा ज़रूर करें। नॉर्थ ईस्ट से आपकी अपनी एंट्रेंस हो जाती है। फ्रंट में नॉर्थ के बाद में रिसेप्शन एरिया बनाया गया है, यहाँ पर आपकी अपनी रिसेप्शनिस्ट बैठ जाती है। वेटिंग एरिया आपका ईस्ट वॉल के साथ, यहाँ पर आपका अपना वेटिंग एरिया बना हुआ है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये वेटिंग एरिया भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्थ में आपके अपने रिसेप्शन ओके हैं। रिसेप्शन में अंदर आने का जो रास्ता है वो आपने यहाँ से बनाना है। ध्यान रखना है यदि आपका यहाँ से भी ओपन एरिया है, आप यहाँ से भी बाहर निकलते हैं या अंदर आते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपनी रिसेप्शन टेबल को एल शेप में जरूर बनाएं और आने जाने का रास्ता नॉर्थ ईस्ट से यहाँ से करेंगे तो आपकी वर्किंग हमेशा ही अच्छी रहेगी। यानी रिसेप्शन पर जो व्यक्ति मिलने वाला है वो यहीं पर सेटिस्फाई हो जाएगा। ईस्ट जोन में पूर्व दिशा में आपका वेटिंग एरिया बनता है, सोफा आ जाता है। ध्यान रखना है सोफे का कलर आपका लाइट ब्राउन कलर या ग्रीन कलर होना चाहिए। आपकी अपनी पेंट्री
ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में बनी हुई है। पैंक्रिया आपकी बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना है इस पैंक्रिया के अंदर आपका ग्रीन कलर या लाइट ब्राउन कलर होना चाहिए। ऐसे ही आपकी टॉयलेट यानी पैंक्री से ही अंदर जाने के बाद साउथ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट दिखाई गई है, ये टॉयलेट अच्छी नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी साउथ ईस्ट के भाग में टॉयलेट बनाई जाती है तो उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि टॉयलेट के अंदर कहीं ना कहीं फर्श के ऊपर पानी रहता है, गीला रहता है, जिसके कारण आपके यहाँ पैसे का नुकसान होता है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने यहाँ पर साउथ ईस्ट के जोन में टॉयलेट को ना बनाएं। आपका अपना ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर है और आप अपनी टॉयलेट को यहाँ से नहीं बदल सकते, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आपने करना क्या है, जो आपकी अपनी टॉयलेट है, टॉयलेट के अंदर आपने लाइट ब्राउन कलर या ग्रीन कलर या पीच कलर करवाना है, और साथ में आपने अपनी टॉयलेट को बिल्कुल ड्राई रखना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो मेरा अपना यह मानना है कि जो आपकी ये टॉयलेट है, इस टॉयलेट के कारण जो आपका पैसा वेस्ट होता है वो वेस्ट होना कम हो जाएगा। बैक साइड में दो कैबिन बनाए हुए हैं, एक कैबिन साउथ जोन में आता है और दूसरा कैबिन साउथ वेस्ट जोन में आता है। आपने अपने यहाँ पर सीनियर पर्सन बैठाना है तो सीनियर पर्सन आपका साउथ जोन में बैठेगा और ओनर को साउथ वेस्ट जोन में बैठना है। यहाँ पर आप अपनी कैबिनेट बनाए, कैबिनेट के साथ आप अपनी टेबल, यहाँ पर आप अपनी टेबल बनाए, यहाँ पर आपके अपनी सीटिंग हो जाएगी और ये एल शेप में आपकी अपनी कंप्लीट टेबल बनेगी। यहाँ पर आपका अपना विजिटर, आपका अपना क्लाइंट आकर बैठ जाएगा। साउथ में दक्षिण दिशा में आपने फर्नीचर का जो कलर करना है, यदि आप रेडिश ब्राउन कलर करते हैं, मैरून कलर करते हैं, तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। जो व्यक्ति यहाँ पर इस सीट पर बैठकर काम करेगा उसकी वर्किंग हमेशा ही अच्छी रहेगी। आप अपने स्टाफ से वर्किंग अच्छी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर, मैरून कलर जरूर कराएं। ऐसे ही दूसरे कैबिन में ओनर की सीटिंग कैसे करनी है, साउथ वेस्ट साउथ वॉल पर आपकी कंप्लीट कैबिनेट आएगी और ऐसे ही आपकी अपनी टेबल आएगी। यहाँ पर आप नॉर्थ की ओर फेस करके बैठेंगे और आपका जो क्लाइंट है, जो विजिटर है, वो आपका अपने सामने यहाँ पर आकर बैठ जाएगा। ऐसे में ध्यान रखना है जब आप अपनी टेबल बनाएं और साइड टेबल बनाएं तो साइड टेबल और आपकी अपनी मेन टेबल दोनों ही हाइट में बराबर होनी चाहिए। ज़्यादातर देखने में आता है साइड टेबल नीची होती है और मेन टेबल ऊंची होती है। आपको रिजल्ट बेहतर चाहिए, आपको अपनी वर्किंग अच्छी चाहिए, आपके यहाँ जो क्लाइंट आता है उससे पेमेंट आपको प्रॉपर चाहिए, तो आपको अपने यहाँ पर जो आपकी अपनी टेबल है और उसके साथ लगती हुई साइड टेबल है वो हमेशा ही टेबल के लेवल के बराबर होनी चाहिए। ओनर नॉर्थ की ओर फेस करके बैठता है तो उसकी साइड टेबल वेस्ट वॉल पर आ जाती है जो कि नीची हो जाती है, जिसके कारण उसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। और ओनर ईस्ट की ओर फेस करके बैठता है तो उसकी साइड टेबल साउथ वॉल पर आ जाती है और वो मेन टेबल से नीचे हो जाती है, तो भी उसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि आपने अपने यहाँ पर अपनी टेबल के बराबर ही साइड टेबल की ऊंचाई करनी है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपको हमेशा ही रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आप अपने इस कैबिन के अंदर क्रीमिश कलर कराते हैं, फर्नीचर का कलर क्रीम टोन में लेते हैं, तो भी आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आपका सीए का चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस है और आपके यहाँ स्टाफ भी होता है, तो स्टाफ की जो सीटिंग है वो सीटिंग आपने ईस्ट की ओर, यहाँ पर स्टाफ की टेबल लग जाएगी और यहाँ पर स्टाफ का अपना कंप्यूटर लग जाएगा। जितना स्पेस आपके पास है उस स्पेस के हिसाब से आप अपनी सीटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपका अपना स्टाफ बैठेगा। आपने अपने यहाँ पर स्टोरेज बनानी है तो वो स्टोरेज आप अपने यहाँ पर वेस्ट वॉल पर, क्योंकि आपका सीए का ऑफिस है तो आपको यहाँ पर फाइल रैक के लिए स्टोरेज बहुत चाहिए, तो ऐसे में वेस्ट वॉल पर आप अपनी
फाइल रैक के लिए स्टोरेज बना सकते हैं। ये आपकी फाइल रैक की स्टोरेज बन जाती है। इसमें ध्यान रखना है जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, इस कॉर्नर में आपने अलमीरा नहीं बनानी है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके अपनी स्टाफ की सीटिंग बनती है, इसमें फर्नीचर का कलर और चेयर का कलर कैसा होना चाहिए। फर्नीचर आपका वाइट कलर, ग्रे कलर, सिल्वर कलर का होना चाहिए, और चेयर आपकी वाइट कलर भी आ सकती है, ग्रे कलर भी आ सकती है, और ब्लैक कलर भी आ सकती है। आपने अपने यहाँ पर मंदिर कहाँ लगाना है? मंदिर आप अपने यहाँ पर ईस्ट वॉल के साथ यहाँ पर आप अपना मंदिर लगा सकते हैं। आपने अपने पूरे ऑफिस के अंदर वॉल कलर कौन सा करना है? वॉल कलर आप अपने यहाँ पर ऑफ वाइट कलर करें, और सीलिंग में कलर वाइट होना चाहिए। वाइट के अलावा यदि आप दूसरा कलर करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपकी वर्किंग में दिक्कत आएगी, आपका वर्क सफ़र करेगा। रिसेप्शन का जो फर्नीचर है वो भी आपका वाइट कलर, ग्रे कलर या सिल्वर कलर हो सकता है। इसी के साथ आप यहाँ पर स्काई ब्लू कलर भी कर सकते हैं, उसका भी रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेगा, आपके यहाँ पैसे आने के साधन बनेंगे। वेस्ट का पोर्शन आप ठीक करते हैं, नॉर्थ वेस्ट एरिया को आप खाली रखते हैं तो आपको हमेशा ही सहायता मिलती रहेगी। सहायता किस प्रकार से मिलेगी? जो क्लाइंट आपके पास आता है वो भी सेटिस्फाइड होगा, और उसके साथ उसके अपने रिलेटिव, उसके अपने फ्रेंड सर्कल भी आपके पास काम करवाने के लिए जरूर आएगा। कहीं ना कहीं आपका अपना क्लाइंट आपके लिए कुछ कोई ना कोई नया क्लाइंट जरूर देता रहेगा। क्या काम होने से? नॉर्थ वेस्ट का एरिया क्लीन होने से। नॉर्थ वेस्ट के एरिया में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, ना ही स्टोरेज होनी चाहिए, और ना ही तारों का जंजाल होना चाहिए। आपने अपने यहाँ पर DVR लगाना है तो DVR आप अपनी पेंट्री के अंदर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप अपना DVR लगा सकते हैं। इस प्रकार आप अपने ऑफिस का सेटअप करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके ऑफिस में पहले दिन से ही वर्किंग अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। आप अपना नया काम करने जा रहे हैं या आपका अपना पुराना काम पहले से है और आप ऑफिस चेंज कर रहे हैं और आप इस तरह की नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आप इस प्रकार से सेटअप अपने यहाँ पर करके देखें, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, आपको पहले दिन से ही वर्किंग आनी शुरू हो जाएगी। कई बार देखने में आया है कि पुराने ऑफिस में बैठे थे तो बहुत बढ़िया वर्किंग थी, और जब से हमने नई जगह ली है, नई जगह जाकर बैठे हैं, एक अच्छे कॉम्प्लेक्स के अंदर जाकर बैठे हैं, तब से हमारी वर्किंग धीरे धीरे करके स्लो होती चली गई। जो क्लाइंट हमारे पास थे वो अपनी फाइल आपके यहाँ से ले जाने लगे, और आपका जो सर्कल है, आपकी जो क्लाइंटेज है, वो धीरे धीरे करके कम हो गई। यदि आपके यहाँ इस तरह की दिक्कत आ रही है तो आप हमसे निसंकोच होकर संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट का लेआउट भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का हमारे यहाँ से मैप बनवाना चाहते हैं तो एज पर वास्तु हमारे यहाँ से मैप भी बनवा सकते हैं, और आप हमें अपनी साइट पर साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए इन्वाइट भी कर सकते हैं। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको सही लगती है और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।